राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में परिवहन विभाग द्वारा बीते 3 दिनों से स्कूल वैनों का सत्यापन चलाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी वैन चालकों के वाहनों के जरूरी दस्तावेजों के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच की गई। तो वहीं इसके साथ सभी चालकों को फर्स्ट एड किट और फायर एक्सटिंग्विशर के साथ वाहन चलाने को लेकर काउंसलिंग भी दी गई। इस बात को लेकर आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि पिछले 3 दिनों के इस अभियान में अब तक कुल 500 स्कूल वैनों का सत्यापन हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली श्रेणी में हमारी तरफ से स्कूल वैनों का सत्यापन हुआ है और दूसरी श्रेणी में स्कूल बसों की भी जांच की जाएगी, जिसके बाद तीसरी श्रेणी में हम स्कूलों में जाकर बच्चों के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी जांच करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड स्कूल वैन और उनके ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन का ड्राइव चला रहा है। इसमें हम परेड ग्राउंड में उनको बुला रहे हैं। ये 3 दिन का ड्राइव हमारा है, आज फाइनल हो रहा है। अभी लगभग 500 स्कूल वैन टर्न अप हो चुके हैं। उनमें हम क्या कर रहे हैं कि गाड़ी को चेक करते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं और उनके जो ड्राइवर हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक करते हैं, आधार कार्ड भी देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पता हमें रहे कि जो स्कूल वैन को चलाने वाला है वो ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं हम लोग, और आधार कार्ड का हमने उससे नंबर भी ले लिया है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि एक वैन की लिस्ट हमारे पास आ गई है, इसमें क्या कमियां हैं, कुछ कमियां हैं तो उसको भी हम नोट कर रहे हैं। तो साथ में इसमें एक स्टिकर भी चिपका रहे हैं हम गाड़ी में, स्टिकर में कुछ गाइडलाइन भी दिए हुए हैं। और दूसरी बात है कि ड्राइवर की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, ड्राइवर को भी चेक कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट को भी चेक कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर रहे हैं, गाड़ी को भी चेक कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक डेटा शीट बन जाएगा और जिसमें जो कुछ कमियां रहेंगी मान लो गाड़ियों में, उनको टाइम देंगे और फिर उनको दोबारा बुलाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि कई लोगों ने भी अपने पॉइंट रेज किए हैं कि हम लोगों ने 3 दिन का शुरू में अभियान चलाया था कि अगर ज़्यादा लंबा खींचने पर कई बार क्या होता है कम लोग टर्न अप होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। फर्स्ट फेज में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे यहाँ परेड ग्राउंड में आ चुकी हैं। अगर उनकी डिमांड होगी तो फिर आगे इसको कभी बढ़ाएंगे या किसी स्पेशल डे उनको बुलाया जाएगा। मेरा हमारी दो स्ट्रेटेजी है। अभी तो फर्स्ट में हमने वैन का किया था, हम वैन वालों की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। वैन के जो ड्राइवर हैं उनको परिवहन विभाग ट्रेनिंग भी दे रहा है और एक ट्रेनिंग निःशुल्क होगा। ITDR हमारा झाझरा में है, मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होगी फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में हम क्या कर रहे हैं कि स्कूल के बसों को भी चेक कर रहे हैं, स्कूलों में जाएंगे, काफ़ी हद तक स्कूल के बस मानक के अनुसार काम कर रहे हैं, स्कूलों में भी जाएंगे, उनकी भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। और थर्ड हमारा फेज जो रहेगा उसमें रहेगा कि हम स्कूलों में जाएंगे, वहाँ पता करेंगे कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो किस किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, अपने पेरेंट्स की गाड़ी से आते हैं, ऑटो व्हीकल से आते हैं, स्कूल वैन से आते हैं या बस से आते हैं या ई रिक्शा से आते हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है इसको भी हम चेक करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट कि क्या स्थिति पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ढोने के लिए क्या सिस्टम हमारा है, और उसके बाद हम उसको अपग्रेड करेंगे। स्कूल वालों की हम लोग एक मीटिंग भी लेने वाले हैं, स्कूल के जो प्रबंधक हैं या उनके प्रिंसिपल हैं उनको भी हम एक बार बुलाएंगे अपने ऑफिस में, एक वार्ता करेंगे और आपस में मिलकर के जो अच्छा होगा आगे करेंगे।